So, आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनेंस के बारे में जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि दस स्टॉक्स की दस स्टॉक्स की एक वीडियो सीरीज हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं डिटेल्ड एनालिसिस सो so, यहाँ पे मैं मंदार श्रेणिक और अनुष ये हम चार लोग यहाँ ये यह वीडियोस बनाने वाले हैं तो जिसमें हर वीडियो में मेरा एक पार्ट रहेगा जिसपे मैं बिजनेस के बारे में भी बात करूंगा एंड वैल्यूएशन के बारे में भी बात करूंगा एंड द एनालिस्ट इज गोइंग टू टॉक अबाउट द फाइनेंशियल्स तो काफी डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों के सामने हम इन दस कंपनीज का करने वाले हैं और इसके ऊपर इसके बाद आप लोगों का जो रेस्पॉन्स होता है या फिर आप लोगों की कुछ डिमांड्स होती है कंपनी के एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो कंपनीज को भी हम इंक्लूड करने वाले हैं इन फ्यूचर एनालिसिस सो दिस इज अ न्यू सीरीज वी आर स्टार्टिंग एंड द नंबर ऑफ स्टॉक्स विच वी आर गोइंग टू कवर Will not be less than 50. So 50 stocks हम कवर करना करने वाले हैं ओवर द पीरियड सो प्लीज स्टे ट्यून और आप लोग इन वीडियोज को काफी अच्छी तरीके से एंजॉय भी कर सकते हो सो so आज हम बजाज फाइनेंस के बारे में बात करेंगे सो so बजाज फाइनेंस बहुत सारे क्वेश्चन भाई बजाज फाइनेंस इतना क्यों गिर रहा है ऑलमोस्ट आठ हजार के लेवल से को टच करके ये स्टॉक पांच हजार पांच सौ पांच हजार छह सौ पांच हजार सात सौ इन लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है सो so ये जो करेक्शन है विच इज मोर देन ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट का करेक्शन ये क्यों आया बजाज फाइनेंस में इसका आंसर आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो मिलने वाला है तो पहले बजाज फाइनेंस के बिजनेस के बारे में या फिर वो स्ट्रक्चर जो है बजाज फाइनेंस कहां होल्ड करता है ओवरऑल बजाज ग्रुप में उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे फिर कस्टमर फ्रेंचाइज के बारे में बात करेंगे देन मंदार विल कवर फाइनेंशियल अबाउट बजाज and at the end of this video I will talk about valuation of Bajaj Finance की कैसा लगता है ये valuation और इसमें किस तरीके से investment का approach होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो ये एक detail analysis आप लोगों के सामने present करेंगे so Bajaj Finance star of Bajaj Group यस yes, star of Bajaj Group मतलब ये जो business है ये जिस तरीके से आया है ऊपर आया है मतलब इन लास्ट थर्टीन टू फोर्टीन इिफ्टीन ईयर्स में एक मतलब हंड्रेड uh, करोड़ रुपीज ऑफ करोड़ रुपीज का वैल्यूएशन इस कंपनी का होता था वो अब ऑफ करोड़ का वैल्यूएशन बन चुका है सो आई थिंक दिस इज अ फेनोमिनल जर्नी सो बजाज फिनेंस ये जो कंपनी है इसका प्रमोटर कौन है बजाज सो बजाज फिंसव इस स्टॉक में भी जो एक रैली हमने देखी है उसके पीछे भी बजाज फाइनांस की स्टॉक की रैली का एक बहुत बड़ा फैक्टर इंक्लूड होता है सो 52.49 परसेंट स्टेक होल्ड करता है बजाज फिंसव स भी, so, भी बजाज लाइफ इंश्योरेंस भी एंड बजाज फाइनेंस भी जिसमें बजाज जनरल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस ये अनलिस्टेड कंपनी लिस्ट नहीं हुई है होपफुली इसकी लिस्टिंग होगी आने वाले समय में और एक बहुत बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग का काम बजाज अनलॉक के लिए कर सकता है बट अभी अगर, बजाज में सबसे करने वाला अगर कोई है, तो कस्टमर फ्रेंचाइज so जो है वो कितनी स्ट्रांग है मतलब टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं बजाज फाइनेंस के पास कितने कस्टमर्स को इन्होंने लोन्स दिए हुए हैं ये जो एनबीएफसी है तो 6.61 करोड़ छह करोड़ साठ लाख लोगों का लोगों को अब तक इन्होंने लोन दिया हुआ है और प्री कोविड लेवल से अगर हम बात करते हैं तो प्री कोविड लेवल दैट इज डिसंबर 2019 में इनकी जो कस्टमर फ्रेंचाइज थी मतलब टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑफ बजाज फाइनेंस वर फोर करोड़ सो चार करोड़ से छह करोड़ साठ लाख कस्टमर्स इन्होंने यहां पे बनाए हुए हैं So, ये बहुत बड़ा कस्टमर बेस है ऐसा मुझे यहां पे लगता है एंड एवरी क्वार्टर दिस पर्टिकुलर कंपनी गिव्स लोन्स मोर देन सेवेंटी लैक्स सेवेंटी फाइव लैक्स लास्ट क्वार्टर में तो सेवेंटी एट पॉइंट फोर लैख इन्होंने दिए थे सो आई थिंक दिस इज अ जस्ट इग्नोर दिस नंबर मतलब एंड जो क्रॉस सेलिंग uh, की अपॉर्चुनिटी है, है अगर बात करता हूं तो 58.4 एट uh, का क्रॉस सेल है एज टोटल कस्टमर फ्रेंचाइज मतलब यहां uh, जो एक बार एक कस्टमर आता है उसके बाद दूसरा लोन देने के चांसेस जो है इस कंपनी के पास वो 58 परसेंट है जो उन्होंने अचीव किए हुए आई थिंक दिस इज अग नंबर So no doubt. कि बहुत ही स्ट्रांग ये पर्टिकुलर ग्रुप है यहां है यहां पे एंड दे आर ट्राइंग टू वेंचर इनटू डिफरेंट थिंग्स आल्सो रिसेंटली यू मस्ट हैव सीन बजाज फिनसर्व की और एक सब्सिडरी मार्केट में आ रही है और वो है बजाज ए यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी बजाज फिनसर्व का म्यूचुअल फंड हम जल्द ही देखने वाले हैं मार्केट में तो वो जो एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है ये जो कस्टमर फ्रेंचाइज है वहां पे भी एक अच्छा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी नजर आता है बजाज फाइनेंस की भी सब्सिडी है, जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगर हम बात करते हैं या फिर बजाज फाइनेंस सिक्योरिटी बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मतलब ब्रोकिंग आम है तो वहां पे भी ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज है एंड हाउसिंग में दे आर डूइंग रियली वेल आल्सो मॉडगेज लोन्स जो है जो मंदार आपको एक्सप्लेन करेगा में पूरी एसेट बुक में तो वहां पे भी आप समझ सकते हो कि कैसे बजाज इज डाइवर्सिफाइंग देयर एसेट बेस अर्लियर इट वाज ओनली मेजरली बी टू सी बिजनेस मतलब बी टू सी इन द सेंस कंज्यूमर के जो लोन्स थे कंज्यूमर लोन्स उस पर ज्यादा फोकस किया जाता था बट नाउ दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई अ लॉट सो वो भी uh, मतलब टू एक्वायर कंज्यूमर लोन एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है बट उसके बाद डाइवर्सिफाइड बुक अगर हो कंपनी के पास तो और ज्यादा डीप पॉकेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कंपनी के सो दैट्स अ गुड साइड एंड ये कंसिस्टेंटली जो क्रॉस सेल रेशियो कंपनी ने रखा है वो कंसिस्टेंटली एक अच्छा रखा है अब डिटेल्ड फाइनेंशियल जो है वो मंदार आपको बताने वाला है बट मैं आपको वेल्युशन well के बारे में बात करूंगा बाद में जब फाइनेंशियल्स का डेटा कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल टॉक अबाउट फाइनेंस। चलिए अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस के मैनेजमेंट के मिक्स की एज ऑन डिसंबर 2022। तो यहां पर यू विल सी ऑन योर स्क्रीन टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट है कंपनी का टू लाख थर्टी थाउजेंड क्रोर्स जिसमें से सबसे मेजर चंक जो है करेंटली मॉडगेज लोन्स का हो गया ये एक ऐसा सेगमेंट है कंपनी का जो रिसेंट इस में काफी ज्यादा ग्रो हुआ उसके अलावा कंज्यूमर बी टू सी बिजनेस जो है वहां पर भी काफी अच्छी ग्रोथ दिखी है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें देन दिस सेगमेंट कंटिन्यूज टू डू रियली वेल फॉर द कंपनी 29 परसेंट की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहां पर दिखी है मॉडगेज बिजनेस में 26 परसेंट की ग्रोथ दिखी है बाकी कुछ एस्पेक्ट है इनके बिजनेस के जैसे कमर्शियल लैंडिंग या फिर लोन अगेन सिक्योरिटीज यहां पर भी ग्रोथ के नंबर्स काफी अच्छे हैं लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली एक लो बेस इफेक्ट है सो so उसकी वजह से यहाँ से करेंटली uh, यहाँ पर जो ग्रोथ नंबर है वो काफी अच्छे दिख रहे हैं असेट क्वालिटी की जो फाइनेंसिंग है, है, तो uh, है वो बहुत ही रोबस्ट यहाँ पर नजर आ रही है ऑटो लोन्स हार्डली इलेवन थाउजेंड करोर के ई का है सो इट इज नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ देयर ओवरऑल असेट बुक तो चलिए अब बात करते हैं कि बजाज फाइनेंस ने कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म किया है ओवर द अब आपकी स्क्रीन पर करंटली देख सकते हो वो उनका प्रोडक्ट कैटलॉग जो कंपनी का मार्च 2012 में हुआ करता था जहां पर उनके हार्डली एट टू नाइन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स थे दैट इन कंपेरिजन टू टूडे जब उनके ओवरऑल प्रोडक्ट कैटलॉग इज वेरी वेरी डायवर्स इट इज मोर फिफ्टी प्रोडक्ट टूडे सो आप समझ सकते ऑलरेडी क्रॉस सेल की बात परिमल सर ने की क्रॉस सेलिंग कितना स्ट्रॉग है उनका अगर क्रॉस सेलिंग को हम इन्वॉल्व कर दे विथ हायर प्रोडक्ट्स एंड हायर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहां पर स्कोप जो है ग्रोथ का वो कितना ज्यादा बढ़ सकता है एंड ऑब्वियसली कंपनी बहुत ईजीली एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट पिच कर सकता है अपने कस्टमर्स को तो एक्जैक्टली exactly कैसा ग्रोथ लू बजाज फाइनेंस यूज कर रहा है क्या वो टेक्निक है एल्गोरिदम्स जो मेटेन्ड है, है? तो है, है, है उसको वो यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स जिन्हें वो सबसे पहले स्मॉल टिकट साइज के जो लोन्स है वो उनको पिचिन करते हैं ताकि वहां से वो अपने कस्टमर बेस को बढ़ा पाए इन स्मॉल लोन्स का जो रिपेमेंट बिहेवियर है उससे कंपनी को पता चलता है कि कौन से ऐसे कस्टमर्स है जो टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं किसका क्रेडिट बिहेवियर बहुत अच्छा है ऐसे कस्टमर्स को आगे जाकर कंपनी अपने बिग टिकट लोन्स जो है वो पिच करता है तो इससे कंपनी ने एक ऑलरेडी बहुत अच्छा ग्रोथ लूप बना लिया जहां पर उनका एक फिल्टर्ड डेटाबेस आता है विच कंसिस्ट ऑफ कस्टमर्स हु डोंट डू अ लॉट ऑफ डीलिंग पेमेंट्स यानी उनके तरफ से ज्यादा जो है वो असट क्वालिटी में इश्यूज नहीं आएंगे ऐसा एक ग्रोथ लूप उनको यहाँ पर मिल जाता है इस क्रॉस सेलिंग के बाद लार्जर टिकट साइज के लोन्स देने के बाद जब हम कपल करते हैं तो कंपनी के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा बेस यहाँ पर मेंटेन हो जाता है जहां से वो अपने प्रेजेंट कस्टमर बेस को अपने एडिशनल प्रोडक्ट्स पिच कर सके चलिए अब बात करते हैं उनका एयूएम कैसा ग्रो हुआ है इसके बारे में हिस्टोरिकली अगर हम प्री पैंडेमिक लेवल्स की बात करें तो वहां पर उनके जो इयर ऑन ईयर थर्टी परसेंट कंसिस्टेंटली हुआ करती थी हालांकि कोविड के बाद से ये जो ग्रोथ का परसेंटेज है वो थर्टी परसेंट के आसपास अभी आ गया है तो कंपनी के लिए यही चैलेंज रहेगा कि आगे चल के वो ये ग्रोथ रेट जो है वो मेंटेन कर पाते या नहीं बिकॉज अभी

कि कंपनी कितने एफिशिएंटली उनके रिसोर्सेज यूज कर रही है कितने एफिशिएंटली उनके एसेट्स मैनेज कर रही है अगर इसके फॉर्मूला की अगर हम बात करने जाए तो रिटर्न ऑन असेट्स इज बेसिकली नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एवरेज असेट्स सो ये आपकी स्क्रीन पर अभी ग्राफ दिख रहा होगा बयाज फाइनेंस के लिए यहां पर रिटर्न ऑन असेट्स करंटली बयाज फाइनेंस का फाइव है जो एक काफी हाई लेवल है बिकॉज कंसिडरिंग फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इंडस्ट्री के जो कंपनीज है वहां पर अगर टू का भी आर अगर होता है रिटर्न ऑन असेट्स तो दैट इज कंसिडर्ड अ वेरी गुड आर So, उसके कंपैरिजन में 5.4 पॉइंट फोर इज दी आरोट बजाज फाइनेंस हेड पोस्टेड फॉर डिसंबर 22 क्वार्टर हमेशा से लास्ट फ्यू क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि ये जो आरओ का परसेंटेज है कंपनी ने मोर देन फाइव परसेंट कंसिस्टेंटली उनके जो रिटर्न्स आ रहे हैं ऑन देयर वो बहुत ही रोबस्ट है एक और फाइनेंशियल पैरामीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये किसी भी फाइनेंशियल कंपनी किसी भी बैंकिंग कंपनी या फिर किसी भी लेंडिंग कंपनी को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जहां से हमें पता चलता है कि कंपनी बेसिकली अपने इंटरेस्ट अर्न करने के बाद उससे अपने इंटरेस्ट के खर्चे देने के बाद जहां से भी उन्होंने पैसा उठाया उनके खर्चे देने के बाद अपने असेट्स पर ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न जो है वो कमा पा रही है सो so, अगर हम इस इस नेट इंटरेस्ट मार्जिन के ट्रेंड को अगर हम यहां पर देखें तो बजाज फाइनेंस का ये ट्रेंड हमेशा से टेन से ऊपर रहा है एंड करंटली 22 के में, दिस पर थोड़ा सा करेक्शन है अर्लियर मोर थर्टीन परसेंट वहां से थोड़ा सा यही था, यही था कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो हाल के क्वार्टर में थोड़ा ज्यादा बढ़ गया ऑब्वियसली बिकॉज आरबीआई ने रेट हाइक्स कर दिए जिसकी वजह से कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी यहां पर बढ़ता हुआ नजर आया है अगर हम और दो इंपॉर्टेंट इश्यूज की बात करें कॉस्ट टू इनकम रेशियो कॉस्ट का थर्टी फोर पॉइंट सेवन परसेंट रहा है विच हैजी रेंज बाउंड लेवल इसी रेंज में लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में हमने कंपनी का कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखा था जो काफी सस्टेनेबल लेवल है इट्स अ गुड लेवल ऑफ कॉस्ट टू इनकम रेशियो इसके अलावा कैपिटल एडोकेसी रेशियो यहां पर बैंक कंपनी uh, का थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है जहां पर डिसंबर ट्वेंटी में दिस वॉज ट्वेंटी लेकिन यहां पर जो आरबीआई का मैंडेट है अबाउट दिस रेशियो दैट इज एट फिफ्टीन सो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी के पास बहुत बड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ये रेशियो

लेकिन जो है कंपनी की वो काफी रोबस्ट है प्रोविजन कवरेज रेशियो भी हेल्थी इंक्रीज हो रहा है, जो भी को लग है कि डेट जो शायद बैड हो सकते हैं आगे जाके वो एडिक्वेटली प्रोविजन है लास्ट फाइनेंशियल एस्पेक्ट वीव टू टॉक अबाउट इज कॉस्ट ऑफ बोर यानी कॉस्ट ऑफ फंड बजाज फाइनेंस ऑब्वियसली बहुत सारे बैंक से बहुत सारे बॉन्ड्स uh, के थ्रू अपने पैसे उठाता है जो आगे चल के लेंड करता है सो कॉस्ट ऑफ फंड की अगर हम बात करें तो वो जून 22 के क्वार्टर में ऑलरेडी बॉटम आउट हो गया है जब वो 6.64 परसेंट था सो so ऑन एन एवरेज बजाज फाइनेंस 6.64 परसेंट के इंटरेस्ट रेट पे लोन्स उठा रहा था इन जून 22 क्वार्टर वो अभी धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है इसका रीजन यही है कि आरबीआई ने पॉलिसी रेट्स हाइक कर दिए थे जिसके बाद ये कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ते जा रहा है ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आगे के क्वार्टर में शायद ये सो दैट इट अबाउट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बजाज फाइनेंस हम इसका कंक्लूजन यही है कि बजाज फाइनेंस करंटली काफी रोबस्ट करोबस्ट पोस्ट करता हुआ नजर आ रहा है सो सो ऑन फाइनेंशियल फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर कोई ऐसे मेजर दिखाई नहीं दे so financials, आपने देख लिया मंदार ने आप लोगों को बता दिया होगा फाइनेंशियल कैसे बजाज फाइनेंस के अब बात करते हैं वैल्युएशन की यही तो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है ना क्यों क्यों बजाज फाइनेंस इतना करेक्ट हो रहा है तीस तीस परसेंट पैंतीस परसेंट पच्चीस परसेंट और ऐसे करेक्शंस ऑब्वियसली जब हमने 2020 के फॉल के बाद मार्च अप्रैल मार्च में जो फॉल हुआ उसके बाद जो एक अपवर्ड जर्नी हमने मार्केट में देखी थी टिल अक्टूबर 2021 बट उसके बाद काफी खराब समय मार्केट देख रहा है ऑलमोस्ट 18 महीने हो चुके हैं दर इज नो रिटर्न इन द मार्केट एक्चुअली देर इज अ करेक्शन इन द मार्केट नाइन टू टेन मार्केट इज डाउन प्लस 18 मंथ्स में नो रिटर्न सो टोटल टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन ये दोनों नंबर्स को हम अगर मिला देते हैं तो 28 परसेंट का तो मार्केट का ही करेक्शन यहां पे हुआ है बट उसको आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है बजाज इन अ नेगेटिव वे बिकॉज इसमें तो प्राइस करेक्शन ही हमने ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट का देखा है तो क्या मेन पेन पॉइंट है इसके बारे में हम थोड़ा सा अब यहां डिस्कशन करने वाले हैं सो वॉट इज द मेन पेन पॉइंट तो कुछ नंबर्स मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आएंगे सो so, सबसे Pain point of Bajaj uh, 2019 2019 करोड़. करोड़ तो एक एक तो दिया है. और जो लोन्स दिए गए थे इन दैट पर्टिकुलर क्वार्टर ऑफ डिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन कितने लोन दिए थे बजाज फाइनाटी 77 लाख 77 लाख लोन्स दिए थे बजाज ने इन थाउजेंड 2019 और लास्ट क्वार्टर में जो नंबर्स हमारे सामने आए हैं 2022 में 6 6 करोड़ करोड़ 60 60 लाख लाख कस्टमर्स को इन्होंने कितने लोन्स दिए 78 लाख सो so अगर नंबर ऑफ लोन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और नंबर ऑफ कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो यहां हमें ज्यादा ग्रोथ नजर नहीं आ रही है ये एक पेन पॉइंट है बजाज फाइनेंस का जो इनके वैल्यूएशन में वैल्यूएशन uh, को बॉदर कर रहा होगा अब ज्यादा नंबर ऑफ लोन्स देना ये क्यों जरूरी है कंपनी को बिकॉज वही तो आपकी लोन की ग्रोथ दिखाएगा ना वैसे कंपनी जो है जो ई एम की ग्रोथ दिखाती है एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी के जिसमें लोन्स इज अ मेजर पार्ट सो एसेट अंडर मैनेजमेंट का ग्रोथ का जो गाइडेंस बजाज फाइनेंस देता है दैट इज बिटवीन 25 परसेंट टू 27 परसेंट ऐसे देखा जाएगा लास्ट क्वार्टर का जो ग्रोथ था एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का दैट वॉज अराउंड ट्वेंटी सेवन परसेंट तो अब आप बोलोगे यार जो रेंज uh, दे रहे जो प्रडिक्शंस दे रहे जो एक्जम्पन्स उन्होंने कंसिडर किए हुए उसी को तो फॉलो कर रहे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है येस देर इज अ प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम यह है कि पहले भी ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सेवन परसेंट की रेंज दी जाती थी ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बट एक्चुअल ग्रोथ जो अचीव करता था बजाज फाइनेंस दैट वॉज थर्टी फाइव टू फोर्टी परसेंट So, जब आपने अंडर कमिटमेंट किया एंड ओवर डिलीवरी कर दी तो मार्केट बजाज फाइनेंस को बहुत ज्यादा रिवॉर्ड करता था अब क्या हो गया है कि जो बोल रहा है बजाज फाइनेंस उतनी ग्रोथ वो अचीव कर रहा है सो मार्केट को ये पसंद नहीं आ रहा है

बैंकिंग लाइसेंस दे दो ताकि प्रॉपर बैंकिंग के रेगुलेटरी में ये लोग आ सकते हैं so ये सारी चीजें हैं अब देखते हैं मिलेगा नहीं मिलेगा आरबीआई का लाइसेंस गॉड ओनली नोज या फिर आरबीआई गॉड्स ओनली नोज सो लेट्स सी लेट्स होप दैट की uh, इसका सॉल्यूशन जल्दी हमें मिल जाए और एक बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वहां पर अगर बैंकिंग लाइसेंस मिलता है बजाज फाइनेंस को तो वो वहां क्रिएट हो सकती है So, ये जो करेक्शन है अभी जो 30-35 परसेंट का 35 परसेंट का करेक्शन हमने देखा है बजाज फाइनेंस में ऐसे फेजेस देखेगा जुलाई टू जुलाई टू थाउजेंड एटीन के बीच में भी थर्टी फाइव परसेंट थर्टी सिक्स परसेंट का करेक्शन यहां पे हमने देखा था जून दो हजार उन्नीस में मई जून दो हजार उन्नीस में भी ट्वेंटी वन परसेंट का करेक्शन बजाज फाइनेंस में था अप्रैल मार्च अप्रैल 2020 में कोविड के टाइम पे 63 परसेंट से बजाज फाइनेंस गिरा था इवन फेब 2021 में भी आ, 25 परसेंट से बजाज फाइनेंस गिरा था और फिर से एक बार फिर से एक बार बजाज फाइनेंस जैन 2022 में भी 35 परसेंट से गिरा था एंड नाउ दिस टाइम अगेन इट इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 30 परसेंट तो ये 35 का जो नंबर है ऑलमोस्ट तीन बार पहले भी आ चुका है तो क्या शायद ये भी एक 35 परसेंट का करेक्शन मार्केट uh, उसके बाद बजाज फाइनेंस को सपोर्ट मिल सकता है क्या ये तो कोई बहुत बढ़िया टेक्निकल एनालिस्ट आपको बता सकता है बट ओवरऑल अगर आप बा बात करोगे तो आई थिंक जो प्रीमियम नेस था फॉर ओवर अचीविंग दी एव एम ग्रोथ वो अब यहां नजर नहीं आ रहा है एंड दैट्स वाई दीज वैल्युएशन आर लुकिंग मोर एंड मोर रैशनल एट दीज लेवल्स राधर एट एट थाउजेंड लेवल्स दो आई थिंक ये जो कंपनीज है बजाज फाइनेंस हो या एशियन पेंट हो या एवेन्यू सुपर मार्ट हो जो हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियोज में लाने वाले हैं सो so, ये हमेशा प्रीमियम वैल्युएशन पर ट्रेड हुई है बट देर वॉज अ रीजन फॉर दैट इज तो देट रैशनालाइज सो दी रेशो है बजाज का अराउंड थर्टी टू इज लुकिंग रीजनेबली वैल्यूड फेयरली वैल्यूड कंपेयर टू देयर वन ईयर थ्री ईयर एंड फाइव ईयर मीडियम पी रेशियोजी नाइन टू फिफ्टी थ्री लेवल्स तो ये वैल्युएशन सस्टेन नहीं कर सकते एंड दैट इज द पॉइंट भले आपको वन ईयर थ्री फाइव ईयर के हिसाब से डिस्काउंट लग रहा है

सम काइंड ऑफ करेक्शन मेजरली मुझे लगता है अब यह टाइम करेक्शन ज्यादा हो सकता है बजाज फाइनेंस में दैट कुड बी देर यह भी हमने यहां पर समझना जरूरी है सो वॉट इज द राइट वे ऑफ अक्वायरिंग सच काइंड ऑफ कंपनीज आई स्ट्रांगली फील स्टैंडर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इज अ राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन सच काइंड ऑफ कंपनीज इज दिस अ डायरेक्ट एडवाइस टू गो एंड इन्वेस्ट नो यू नीड टू आस्क यूर एडवाइजर विद टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट बट इफ यू वॉन्ट एनी हेल्प In wealth management, financial planning, investment management or investment advisory, you can contact our relationship sale. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग योर रिस्क प्रोफाइल इन इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल आर एडवाइजर्स विल बी एबल टू एड गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू टू यू इफ यू वॉन्ट टू बुक अ सेशन विथ मी और गौरव वो भी आप हमारे रिलेशनशिप सेल से बात करके बुक कर सकते हो अगर आपको सिर्फ मॉडल पोर्टफोलियोज में इंटरेस्ट है तो वो भी आपको हमारी वेबसाइट इन्वेस्ट पे मिल सकता है यज्ञ वाई एडी एन वाई ए प्रमोकर यूज कीजिए 30 परसेंट का डिस्काउंट आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियो पे मिल जाएगा ऐसे वीडियोज के लिए चैन पर वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं jake in